तो हेलो गाइस, तो स्वागत है दस्ता वॉरियर नामक एक एडिटिंग चैनल में गाइस। तो आज हम बनाने वाले हैं कलर करेक्शन लाइक 777 सत्य बैरा गुड्डू जो इंस्टा पे नाम है और 777 जो यूट्यूब पे नाम है, तो उसके जैसे कलर करेक्शन आज हम एंड्रॉयड डिवाइस में करेंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले आपको अगर बनाना है तो मेरा पहले वाला वीडियो देखिए जिसमें मैंने बताया है कैसे आप स्लो फास्ट वेलोसिटी मोंटाज अपने एंड्रॉयड डिवाइस में बना सकते हैं। तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई कार्ड में भी आ रहा होगा, तो वहाँ से आप इजीली जा सकते हैं, उसको वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप पहले से बना चुके हैं वेलोसिटी मोंटाज या आपको वेलोसिटी मोंटाज नहीं भी बनाना है, तो आपको अगर कलर करेक्शन सीखना है तो आज यही वीडियो में आज हम बताएंगे कैसे कलर करेक्शन करेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए दो एप्लीकेशन, अलाइट मोशन, दो नहीं एक, हाँ बल्कि कैसे गाइस, एक एप्लीकेशन अलाइट मोशन। तो अलाइट मोशन मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से इजीली आप अलाइट मोशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं जो मॉडेड है। प्ले स्टोर से मत करिएगा, बेकार का पैसा देना पड़ता है, मॉडेड करिए, फ्री का माल अच्छा माल मिलेगा आपको और वहाँ से कर सकते हैं। तो चलेगा इस लाइट मोशन में चलते हैं। जैसा कि गाइज आपने देख लिया है प्रीव्यू, तो गाइज सबसे पहले आपको लाइट मोशन खोल लेना है, प्रोजेक्ट भी बना लेना है और अपने जिस पे आपको करना है वो वीडियो को इंपोर्ट करके इफेक्ट्स में ऐड इफेक्ट्स में जाना है। और यहाँ पे गाइज आपको कलर लाइट्स वाले सेक्शन में जाके ब्राइटनेस कंट्रास्ट को चूज़ कर लेना है। ब्राइटनेस को 1% बढ़ाइए और कंट्रास्ट को अपने वीडियो के क्वालिटी के हिसाब से बढ़ा लीजिए गाइज। जैसे मैं यहाँ पे 54% कर रहा हूँ। और इसके बाद गाइज आपको फिर से कलर लाइट्स के सेक्शन में जाने के बाद कलर टेम्परेचर ले लेना है और टेम्परेचर को अपने हिसाब से बढ़ा लेना है गाइज। और देखिए बढ़ाने के बाद आपको अभी से हमारे प्रिय 777 जैसी लुक आने लग गई है। तो गाइज फिर से यहाँ पे आपको इफेक्ट्स में जाना है और इफेक्ट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे कलर ट्यून का ऑप्शन में ढूंढ रहा हूँ, मिल जाए तो मैं करता हूँ कलर ट्यून का ऑप्शन, हाँ ऊपर ही था गाइज, कलर ट्यून आपको ले लेना है। और यहाँ पे देखिए लिफ्ट जो है इसको ब्लू के तरफ थोड़ा सा करना है, जैसे कि गाइस मैं ब्लू के तरफ इसको थोड़ा सा कर अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो आपको एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है वो ब्राइटनेस का होता है कम ज़्यादा करने का, तो आप कर लीजिएगा। जैसे कि गाइस मैं सेट कर ले रहा अपना गामा गेन, ऑफसेट सब कुछ सेट कर ले रहा हूँ, आप अपने तरीके से करके देख लीजिएगा किस टाइप का आपको चाहिए, या मेरा कॉपी भी कर सकते हैं। और इसके बाद गाइज आपको ये जो ब्राइटनेस कंट्रास्ट वाला को है कलर टेम्परेचर और कलर ट्यून के लास्ट में ले जाना है, जिससे गाइज देखिए एकदम ओपीसी लुक आ चुकी है हमारे मोंटाज में। तो गाइज इसके बाद आपको क्या करना है, हाँ याद है, इसके बाद गाइज आपको एक शेप लेना है, उससे को कतई बढ़ाइए, जितना मन बढ़ाते जाइए, कुछ नहीं जाता है आपको, जितना मन कोई कलर कोई फिक्र की बात नहीं है, बढ़ाते जाइए। और गाइज मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, बहुत केयर कर रहा है, इतना मैं नहीं करता हूँ। और इसके बाद आपको इस पे जाना है, इफ़ेक्ट्स में जाना है और इफ़ेक्ट्स में ऐड इफेक्ट पे करना है। और यहाँ पे गाइज आपको सबसे पहले कॉपी बैकग्राउंड करना है, पर मैंने जब रिकॉर्ड किया तो गाइज गलती से मैंने गामा एक्सपोजर ले लिया था, तो वो आपको नहीं लेना है, आपको गामा एक्सपोजर ये सब नहीं लेना है, ये गाइस गलती से हो गया, यहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हैं। बट मेरे मैं ईयरबड आलसी में ये सब मतलब की काट फाट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट कर दिया। हाँ अभी देखिए, अब मैं कॉपी बैकग्राउंड लेगा, अभी आप गाइस जाइए अदर्स पे जाइए, कॉपी बैकग्राउंड को ले लीजिए गाइस। और इसके बाद फिर से ऐड इफेक्ट्स में जाइए, अगर आपको जानते होंगे तो ये वाली जो अभी मैं स्काई ग्लो जो होती है वो ग्लो करने वाला हूँ, वो मैंने पहले पिछली बार की वीडियो में बता चुका है, तो आप इसमें कर सकते हैं। एक्सपोज प्लस गामा लेना है, गामा को बढ़ा देना है, एक्सपोजर को बढ़ा देना है, गामा को कम कर देना है और ऑफसेट को अपने तरीके से बढ़ाना है जब तक आपका गाइस स्काई ना दिखने लगे। जब आपका स्काई दिखने लगे उतना ही दूर तक आपको गाइस ऑफसेट को भी रखना है, क्योंकि वहीं उतना ही जहाँ तक आपको ऑफसेट में दिखेगा उतना ही आपका ग्लो आएगा गाइस। तो यहाँ ब्लर पे जाना है, गॉशियन ब्लर लेना है और इसको आपको अबाउट 600
के आसपास या 5-600 के आसपास आपको ब्लर कर। गाइस गाइस आपको कलर एंड लाइट में जाना, यू शिफ्ट को आपको ले लेना है। और ये यू शिफ्ट ये काम करता है कि आपका जो ग्लू का कलर होगा उसको करेगा। तो यहाँ पे गाइस हमको वाइट रखना है तो यू शिफ्ट ले लेते हैं थोड़ा सा, और आपको जितना रखना है रख लीजिएगा। और इसके बाद आपको मैं ढूंढ रहा हूँ इस कलर लाइट में आपको मिलेगा सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, तो उसको लेने के बाद सैचुरेशन को पूरा कम कर लेना है जिससे वाइट आ जाएगा। और इसके बाद आपको इसको पूरा आगे तक कर लेना है। और इसके बाद आपको गाइस ब्लेंडिंग ओपेसिटी में जाके लाइटनिंग में लीनियर डॉज को सेलेक्ट कर लेना। और देखिएगा इस कितना ओपी सा लुक आ चुका है, साथ 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 सत्य बहरा गुड्डू जैसा हमारा बन चुका है एंड्रॉयड में। और वहाँ से आप लीवर से कम भी कर सकते हैं अगर आपको ग्लो को थोड़ा सा कम करना है। तो आज के लिए कतई गाइस बस इतना ही, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। यार इतना दूर तक देख चुके हैं तो यार सब्सक्राइब कर दो यार मेरे चैनल की, आप सब्सक्राइब कर देते हो। और तुम्हारे यार कमेंट्स अगर जो भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स पे कर दो, और कमेंट इसलिए करो क्योंकि गाइस मुझको भी पता चले कैसे मैंने वीडियो बनाई है। और हाँ लाइक कर दो अगर आपको अच्छा लगा, और शेयर भी कर दो अपने दोस्त सबको कि उनको भी पता चले कैसे यार 777 जैसी मोंटाज बन सकती है गाइस। तो ये कलर करेक्शन की एकदम मस्त वीडियो है। तो और मैं ये भी बताना चाहता हूँ गाइस कि आने वाली अभी एक और वीडियो है जो एकदम मस्त होने वाली है, कलर करेक्शन के ऊपर होने वाली है। एक एप्लीकेशन का नाम बताऊँगा जिससे गाइस कलर करेक्शन इजीली हो जाता है। और सॉरी फॉर नॉइस यार, गलती हो गया, नॉइस आ गया ज़्यादा, तो उससे भी हो जाती है। और उसके बाद गाइस और भी बहुत सारी वीडियोज आने वाली है, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को तो, और इंस्टा पे भी कर लो गाइस क्योंकि मैं वहाँ पे रोज़ाना आपको अपडेट कर देता हूँ कि कौन कौन सी वीडियोस आने वाली है। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट नहीं तो मुझको इंस्टा पे डीएम कर दीजिए, वो लिंक इन डिस्क्रिप्शन है और एलाइट मोशन का पैक भी डिस्क्रिप्शन में। तो आजकल कतई गाइस बस इतना ही, सो सेव नारा, बाय।